मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कभी मेडिकल अस्पतालों की तो कभी प्रखंड चिकित्सा केंद्रों पर हो रही लापरवाही और मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अभी एक मरीज को एक्सपायरी दवा देकर मौत के मुंह पर भेजने की शिकायत फिर चर्चा में। पेश है एक रिपोर्ट। समय रहते अगर सरकारी व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो जनता का विश्वास सरकारी व्यवस्था से उठ जाएगी, जिसका फायदा निजी नर्सिंग होम को होगा। सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने से इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान हनुमान नगर प्रखंड को पूरी तरह जलमुक्त किया जाएगा। दोनों ही बाढ़ग्रस्त इलाके में अस्थायी समाधान होगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने को कहा गया है, जल्द ही टेंडर किया जाएगा। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारियों पर संतोष जताया, कहा कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं, जहां कुछ कमी है उसे 10 दिनों के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। मैं दो एरिया का नाम बताया, वो हमेशा हम लोग जब से राजनीति में आए हैं देख रहे हैं कि हर एक बार 6-6 महीना आज तक कुशेश्वर स्थान में कोई खेती नहीं किया हो उस बिल्ट में। ये दोनों का परमानेंट निदान निकालने का जल्दी ही इस पर घोषणा और कार्रवाई शुरू हो जाए। काफ़ी दिनों से जो कुशेश्वर स्थान में जो 6 महीने पानी रहता है और बिल्कुल कुछ नहीं होता है, उसका कोई निदान निकालने के लिए जल्दी ही विभाग उस पर कोई रास्ता निकाल करके, और उस पर काम चल रहा है। तो कुशेश्वर स्थान का अगर वो पानी का निकासी हो जाता है तो 4-5 ब्लॉक दरभंगा है, गौरा बोरा, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, ये पूरा एरिया आपको बदल जाएगा इसका स्वरूप। इसके साथ ही आज हनुमान नगर के कुछ जनप्रतिनिधि को हम लोग इस मीटिंग में बुलाए थे। उनकी जो हमेशा पचपुटिया बांध की बात आती थी, ये समस्या है, तो वो अभी आके बताए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो हनुमान नगर में वाटर लॉगिंग होता है उसका भी निदान, तो दो वाटर लॉगिंग का निदान, एक कुशेश्वर स्थान और एक हनुमान नगर, इस दोनों का वाटर लॉगिंग का निदान जल्दी ही डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग उसका रास्ता निकाल करके। दरभंगा से हवाई यात्रा सेवा के सवाल पर कहा कि उड़ान योजना के तहत दरभंगा का चयन किया गया है। यह बात तय है कि दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू होगी, लेकिन पता चला है कि संवेदक ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तारीख नहीं दूंगा, एक मिनट, मैं इसलिए कोई तारीख नहीं दूंगा, उस समय कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे ही और डिपार्टमेंट के कहने पे ही हम लोगों ने एक डेट बताया था, लेकिन वो डेट कॉन्ट्रैक्टर फेल किए। अब जब वो काम हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से, जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो बिहार सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया, लैंड एक्विजिशन चल रहा है। इतना आप विश्वास रखिए कि ये एयरपोर्ट फाइनल होके जहाज उड़ेगा। ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जो सिविल एविएशन के लोग हैं, ये गड़बड़ कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा लेता है हमको डिपार्टमेंट से चेक कि आधा पैसा लगाता है आधा घर लेके चला जाता है। तो जो सिविल एविएशन के विभाग के लोग हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उनको देखना चाहिए कि जल्दी से वो काम कम्प्लीट करें, नहीं तो उस पर कार्रवाई करें। वो कुछ गड़बड़ भी कर रहा है जो चेक किया है, लेकिन वो काम कम्प्लीट होगा तो निश्चित रूप से दरभंगा से फ्लाइट उड़ेगा। और अभी तक जो मैं बताया, जब नीतीश कुमार जी और सुरेश प्रभु जी आकर के शुरुआत किए तो डाउट किस बात का। वहीं मंत्री संजय झा ने कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया, कहा कि कमला बलान पश्चिमी तटबंध का पक्कीकरण किया जाएगा और उत्तर बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण आदि जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन जिले में बांधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग अभियंताओं द्वारा पूर्व से ही एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अभियंताओं को यह सुनिश्चित करना है कि बाढ़ आने पर किसी भी बांध में कोई कटाव न हो। सभी संबंधित अभियंतागण अगले 4 महीने अत्यधिक सतर्क रहें, बांधों की सतत निगरानी करें, यदि बांध पर कमजोर बिंदु का पता चलता है तो तुरंत मरम्मत कराएं। वहां से लेके और नसियारी तक जो बांध है हमारे डिपार्टमेंट का, उसको ब्लैकटॉप किया जाए। वो करीब
32 वो कितना किलोमीटर है? ज़्यादा ही होगा, 74 किलो, नहीं 32 किलोमीटर, वो 32 किलोमीटर के आसपास है, ये जो समिया ढाला से और 32 किलोमीटर के आसपास है। उस एक साइड में आपको उससे बांध भी मजबूत हो जाएगा और उस पर कम्युनिकेशन बिल्कुल, तो ठेंगा उंगा वाला जो बिल देखते हैं रसियारी से और उस NH पर जाने में बिल्कुल सुविधा हो जाएगी, वो भी डिसाइड डिसीजन ले लिया गया है और उस पर भी DPR और टेंडर सड़क बना दिया जाएगा उस बांध के ऊपर 32 किलोमीटर का। ये मोटा मोटा दो तीन चीज़ जो है, और मुख्यमंत्री के बारे में बताया, उनकी बिल्कुल 2007 के फ्लड में भी आए थे हनुमान नगर, आप लोगों को ध्यान होगा जो उस समय कवर कर रहे होंगे, और उस समय भी देख करके उनका इंस्ट्रक्शन था, अभी रिव्यू किए हैं उसमें भी उनका कुछ डायरेक्शन हुआ है, और जल्द ही कुशेश्वर स्थान और हनुमान नगर जल मुक्त करने का रास्ता डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला जाएगा, ये माना जाए। संजय झा ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि पंचफुटिया बांध का भी जल्द निराकरण होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में संजय झा ने एयरपोर्ट के मुद्दे पर कहा कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्द दरभंगा से उड़ान सेवा प्रारंभ होगी। अभी आपने देखा मिथिला मंच विशेष में। हमारी हर खबर के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें और देखते रहें मिथिला मंच।